नमस्कार फार्मर भाइयों, फार्मर भाइयों, मैं जसपाल ब्रदर एग्रो फार्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फार्मर भाइयों, आज हम बात करेंगे कि फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हमारा फार्मर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो गवर्नमेंट द्वारा हमें दी जाती है, और फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारे फार्म पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एक उसके बारे में आज पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो के साथ बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पिग फार्मिंग से संबंधित अपने चैनल पर जो वीडियो डालते रहते हैं। फार्मर भाइयों, जब भी हम पिग फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना उसका बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, वैसे आप कर सकते हो, लेकिन यदि आप एक प्रॉपर तरीके से सही बिजनेस के रूप में पिग फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फार्मर भाई हो, हमें बहुत सुविधाएं सरकार की तरफ से भी मिलती है, जिसके बारे में एक एक करके मैं आज आपको बताऊँगा। फार्मर भाई हो, यदि हमारा फार्म रजिस्टर होता है तो जब भी कोई हमारे एरिए की यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, एग्रीकल्चर कोई भी यूनिवर्सिटी है, यदि वहाँ पे वो पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग लगवाती है, पिग फार्मिंग कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग लगवाती है, तो जब भी वो पिग फार्मिंग की वहाँ पे एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के बाद है, ठीक है जी, जब वो फार्म विजिट करवाती है तो जो फार्म रजिस्टर होता है उनके एरिए का, वही फार्म वो विजिट करवाएगी, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये बेनिफिट हुआ कि हमें बिना कुछ किए हुए जो हमारे फार्म के एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल फ्री में हो रही है, वो भी एक सरकारी बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा। और उसके बाद यदि कोई भी वहाँ से फार्मर भाई यूनिवर्सिटी के अंदर संपर्क करता है कि हमें है जो पिग चाहिए, यानी कि बच्चे चाहिए या फीमेल चाहिए या बड़ी मादाएँ चाहिए, जब भी वो वहाँ पे कॉल करेगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा सीधे आपके पास कॉल आएगा कि बताओ आपके पास माल सेल करने के लिए है। यदि आपके पास माल सेल करने के लिए होगा तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपका नंबर प्रोवाइड कर देगी। इसके अंदर फार्मर भाई फार्मर को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि उसको कहीं पे आने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पे रह के अपने फार्म की अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट करवा सकता है और एक अच्छे प्राइस पे माल बेच सकता है, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर है, जो लेक्चरर है, ठीक है जी, वो सबसे पहले आपका ही गाइड करेंगे, क्योंकि एक तो आपका फार्म है जो रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरा उन्होंने आपके फार्म की है जो विजिट की होगी। विजिट वही फार्म की करेंगे जो फार्म रजिस्टर होगा। फिर इसमें से कुछ भाई बोलेंगे कि यदि एक एरिया में 8 या 10 फार्मर यदि रजिस्टर हो जाते हैं तो उसका, यहाँ तक फार्मर भाई मुझे पता है जो फार्म सबसे पहले रजिस्टर होता है पहल उसी को मिलती है, उसके बाद जो भी फार्मर रजिस्टर होते हैं, यदि आप मान के चलो कि XYZ कोई भी है, यदि आपका फार्म पहले रजिस्टर हुआ है, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी में वहाँ पे फार्मर भाइयों की ट्रेनिंग लगी है, फार्म भाई विजिट करवाना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आपसे संपर्क करेगी कि आपकी पिग फार्मिंग चल रही है, आपके पास इस समय कितनी मादाओं की डिलीवरी हुई है, आपके पास कौन कौन से एनिमल है, वो आपके आपके बारे में पूरा बायोडाटा रखेंगे और फिर उनको विजिट करवाएंगे। यदि XYZ आपने बोल दिया भाई मैं फार्म पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, जहाँ इस वक्त जो फार्म के अंदर हम विजिट नहीं करवा सकते, उसके बाद वो सेकेंड ऑप्शन रखती है। इसके अलावा फार्मर भैया जब भी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग लगवाती है, ट्रेनिंग लगवाने के बाद कई बार आपने भी देखा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो समय समय पे पिग फार्मर भैयों को है जो पिग देती रहती है, कई बार तो वो 50 का लोड देती है, कई बार 100 का लोड देती है, यानी कि एक फार्मर को 10 हो गए, इस तरीके से वो एक यूनिट बना के देती है, तो वो फार्मर भैया आपसे ही परचेज करेंगे, जो फार्मर रजिस्टर होगा उनसे ही वो माल परचेज करेंगे। फार्मर रजिस्टर होने के बाद फार्मर भैया आपका फार्म बढ़िया सक्सेसफुली तरीके से चल रहा है, ये तो हो गया सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब जो आपको बेसिक बेनिफिट हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका फार्म रजिस्टर है फार्मर भैया, तो कल को यदि कोई भी बैंक है जो जैसे पिग फार्मिंग पे लोन की सुविधा वो निकालता है, ठीक है, सबसे पहले वो उसी फार्मर पिग फार्म को मान्यता देता है जो वहाँ पे रजिस्टर है। यदि आपका फार्म रजिस्टर है यूनिवर्सिटी के अंदर और आपने लोन के लिए अप्लाई ना भी किया हो तो ही आपको सबसे पहले लोन की कॉल आएगी, क्या भाई साहब आपको पिग फार्मिंग पे लोन चाहिए, क्योंकि आपका फार्म रजिस्टर है,
रजिस्टर होने का मतलब है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से उनको एक प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है भी कौन है जो पिग फार्मिंग कर रहा है। वैसे तो फार्मर भैया आपको ही पता है कि बैंक के अधिकारी कोई घर घर जाके थोड़ी पूछेंगे कि किस किन्होंने पिग फार्म किया या किन्होंने नहीं किया है। और ये सबसे पहले बेसिक प्रॉफिट तो ये हो गया यदि कल को कोई भी लोन आता है तो आपको वो लोन मिलता है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट लोन देती है उसके अंदर फार्मर भाइयों सब्सिडी भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। उसके अलावा यदि आप खुद का ट्रेनिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग लगाना चाहते हो, तो आपका फार्म है जो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है। यदि आप कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हो तो फार्मर भाइयों उस फार्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है जी, वहाँ पर तो उसको आप उस सर्टिफिकेट को आप ना के बराबर मान सकते हैं क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका किसी काम का नहीं है, बस वो एक शो पीस के लिए आपके काम आ जाएगा और किसी काम नहीं आएगा। ये मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स का हमने पहले सामना किया हुआ है। एक तो दूसरा प्रॉफिट फार्मर भाइयों ये हो गया कि आपको है जो ट्रेनिंग बिजनेस शुरू करोगे, ट्रेनिंग देना लोगों को चालू करोगे तो आपके एक पिग फार्म की अलग ही पहचान होगी क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी के अलावा यदि आप आज मान के चलो यदि राजस्थान गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है तो यदि कहीं से वो यदि मान लो भाई वहाँ से यदि पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम राजस्थान गवर्नमेंट से है जो पिग खरीदेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले जो आपका पिग फार्म है उसी को मान्यता मिलेगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के फार्मर भैया बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। यदि भगवान ना करे कल को आपके फार्म पे कोई भी ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना घटती है जैसे कि जो रात को तेज आंधी वगैरह आ गई या बरसात वगैरह आ गई, आपका शेड गिर गया, आपके एनिमल्स का नुकसान हुआ है, तो उस सिचुएशन के अंदर फार्मर भैया आपकी अच्छी खासी भरपाई हो जाती है आपके नुकसान की। ये फार्मर भैया ये बात मैं लगा के नहीं बोल रहा, ये मैंने खुद देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया है। किसी फार्मर भाई के साथ ऐसी घटना हुई थी, उसका फार्म रजिस्ट्रेशन था, उसका ये मान के चलो आप 85% तक लॉस है जो रिकवर हो गया था। और जो लोन की सुविधा, इसमें सबसे बड़ी सुविधा होती है लोन की क्योंकि लोन के अंदर एक तो इंटरेस्ट है फार्मर भाइयों नाम मात्र का हो जाता है जब खुद बैंक लोन देता है, तो यदि हम लोन अप्लाई करते हैं फिर तो वो इंटरेस्ट लगाते हैं खुद की मर्जी का, यदि वो खुद हमें लोन देते हैं तो फिर फार्मर भाइयों बहुत कम इंटरेस्ट होता है पिग फार्मिंग के लोन का। इसके अलावा फार्मर भाइयों जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी है या कोई भी यदि पशुपालन विभाग की तरफ से भी कोई भी यदि पिग फार्म पे सुविधा आती है तो सबसे पहले कॉल आपको ही आएगा कि ये सुविधा आई हुई है, आप यदि लेना चाहते हो ठीक है, यदि नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी। फार्मर भैया आप अपना जो फार्म है रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। यदि आपको पता नहीं है कि फार्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर ज़रूर डालूंगा कि फार्म का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।